उन्होंने भी सड़कों पर निपटाया था, मैं भी सड़कों पर ही निपटाने की बात कर रहा हूं। जब गधे से गधे आदमी तो इतनी अकल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे, क्या कहते पाकिस्तान में फूस के मारे गए, बोलते ना है? बोलते हैं पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, चाइना घुस गए तुम्हारे में, क्या कर लिया? वाराणसी का ज्ञान व्यापी वो बुद्धिस्ट साइट है, मथुरा का वो बुद्धिस्ट साइट है, तीनों का अंग्रेजों के समय में पुरातत्विक रिसर्च हुआ, खोज हुआ, खोदा गया, सारे एविडेंसेस पुरातत्विक। पुरातत्व के बारे में हमारे कितने लोगों को समझदारी, पुरातत्व का एविडेंस का मतलब है फाइनल एविडेंस। भारत मुक्ति मोर्चा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुटेशन, ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है। जैसे हमने कई बार भारत बंद किया, भारत बंद ये एक आंदोलन का ही प्रकार है, जिसमें हम सारे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको जागृत करने का, उनको संगठित करने का और उन संगठित लोगों के द्वारा एक्शन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया गया है, यानी आंदोलन करने के लिए बनाया गया है मैदान में। क्योंकि जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोग विधानसभा में और लोकसभा में चुनकर जाते हैं, वो वहाँ हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नहीं करते। भीमा कोरेगांव में हमारे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवाओं को मारा था, उन्होंने भी सड़कों पर निपटाया था, मैं भी सड़कों पर ही निपटाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो आमने सामने नहीं आते कभी। ब्राह्मण लोग कभी आमने सामने नहीं आते, क्यों? उनको डर है कि साला दोबारा भीमा कोरेगांव ना हो जाए, डर है कि दूसरा वाला बीमा कोरेगांव ना हो जाए, वो आमने सामने नहीं आते। वो क्या करते हैं, वो SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ा देते हैं, मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ा देते हैं, वो अपना घर में रहते आराम करते रहते, वो आमने सामने लड़ने के लिए आते नहीं है। ये मैं इतिहास के उदाहरणों के आधार पर बता रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग उनको सड़कों पर निपटेंगे। ये निपटने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया, जब इनको निपटेंगे तब ना भारत मुक्त होगा, ऐसे थोड़ी मुक्त होगा, कोई तस्तरी में परोस कर थोड़ी देगा। गधे से गधा तो क्या कहता है, गधे से गधा, गधा जरूर हूं, कितना गधा नहीं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट, इतना गधा नहीं। जब गधे से गधे आदमी तो इतनी अकल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है, कहा जा सकता है कि उसको समझ में नहीं आता, इस वजह से उसने हलफनामा दाखिल कर दिया, ऐसे कहा जा सकता है? देखो बहुत खास सवाल है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, RSS के लोगों को कहा कि तुम ही कहते हो ना कि ये हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो उसकी 1 इंच जमीन तुमने भारत में शामिल करने का काम किया, जो पहले से भारत में था उसको 370 बना करके फिर शामिल कर लिया। अरे क्या तुम लोग हमको गधा बना रहे हो, अब इतने गधे तो हम लोग रहे नहीं कि हमको समझ में नहीं आता। सर तुम 1 इंच जमीन पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड की थी, 1 इंच जमीन पाकिस्तान की भारत में मिलाने में कामयाब नहीं हुए है, तुम्हारे पास इस तरह का कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम बड़ी डींगे हाँकते हो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, इसको कहते पुरुषार्थ। नरेंद्र मोदी
आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे, क्या कहते हैं पाकिस्तान में घूस के मारे गए, बोलते ना है? बोलते कि नहीं, पाकिस्तान में घूस के मारेंगे, चाइना घुस गए तुम्हारे में, क्या कर लिया है? जितनी बॉर्डर है ना चाइना की, जितनी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश तक इधर, हर जगह पर जमीन उन्होंने कब्जा किया, कुछ किया साले? ये जो पुरुषार्थ ना रखने वाले लोग पाकिस्तान में क्या घूस के घूस के मारेंगे तुम, चाइना अंदर घूस गया भले तुम कुछ देख रहे हो है? गधा समझ रहे काम को, समझ में नहीं आता, अब समझ में आता है भाई, चाहे दूसरे को ना आए अमन मेजराम को तो समझ में आता है, है? हमारे पुरखे जब वर्ड सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने ऐलान किया सेकंड वर्ल्ड वार फासिज्म अब डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितनी फौज चाहिए भारत से भेजेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लोगों को कहा वर्ल्ड वार में मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। हमारे भीमा कोरेगांव में लड़ने वाले के जो लोग थे ना वो वर्ल्ड वार में भी गए थे, है किसी को पता? अरे मुझे पता होना चाहिए तो मुझे है ना पता, पुरुषार्थी लोग हैं, अपने पूर्वजों के प्रति गौरव है हमें, कि दुनिया की डेमोक्रेटिक लड़ाई के अंदर भी हमारे लोग खून बहाने के लिए वहां शामिल थे। फिर तुम्हारी कोई है पंडित जी थे बोलने के लिए, बातें बघारने के लिए बहुत है, तो जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बता रहा हूं समझाने की बात कर रहा हूं, वो लोग हम लोगों को जब अधिकार देने का मामला आता है तो हमें हिंदू नहीं कहते, कहते तुम लायक नहीं हो, तुम नलायक हो, मुसलमान को मारना है तो बहुत लायक हो, फसाद करना है तो बहुत लायक हो, यानी हम लोग उनको फसाद करने के लिए चाहिए, अधिकार देने के लिए नहीं चाहिए, हम हिंदू किस मापदंड में है, किस मापदंड में हम हिंदू है? मैं बंगाल के लोगों को पूछता हूं, जो लोग बांग्लादेश से दुखी होकर भारत में आए वो मुसलमानों को बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, मैं उनको कहता हूं अरे तुम्हारे इस विरोध की वजह से ब्राह्मण तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो, अंग्रेजी में कहावत है यूज एंड थ्रो, यूज करते हैं थ्रो करते हैं, अपने अकल से काम लेना जरूरी है, अपने फायदे का नुकसान का कैलकुलेशन करके हम लोगों को अपना स्टैंड लेना चाहिए कि इससे हमको फायदा हो सकता है किससे हमको नुकसान हो सकता है। अगर तुम केवल मुसलमान विरोधी भावनाएं रखोगे तो तुम्हारा ब्राह्मण इस्तेमाल करेगा, और जिसका इस्तेमाल होता है उसका क्या होता है, उसकी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, वो यूज एंड थ्रो कर देते हैं। बंगाल में जहां जहां भी मुस्लिम विरोधी एससी एसटी ओबीसी में भावना है वहां बंगाल में ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भाजपा के चुनकर आए, गधे लोग वो हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी, देख लेना छानबीन कर लेना जो बोल रहा हूं, भाजपा की ताकत बढ़ेगी ब्राह्मणों की ताकत बढ़ेगी, ब्राह्मणों की ताकत बढ़ने से हमारे लोगों को अधिकार देगा, आरक्षण लागू करेगा, संविधान लागू करेगा। एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, नरेंद्र मोदी ने संविधान की कॉपी रखा ऐसे, कार्यक्रम में भाषण देने के पहले टीवी पे दिख रहा था ऐसे संविधान की कॉपी रखा, भाषण देने के पहले यहां आया और संविधान को जैसे साला का धर्मशास्त्र है, अबे संविधान धर्मशास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, देश को संचालित करने का शास्त्र है, उस पर मस्तक नहीं टिकाया जाता, अमल किया जाता,
अमल कर, अमल। अमल साला थेले भर का। तभी एक गधा की औलाद हो। ऐसे प्रधानमंत्री का साले कोई आदर होगा? नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के विरोध में बात किया, भाजपा के लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, पार्टी ने सस्पेंड किया, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार को क्या करना चाहिए था? FIR दाखिल करना चाहिए था, बराबर। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पार्टी ने निलंबित किया, अरे तो पार्टी की कार्रवाई हुई, सरकार की कार्रवाई क्या हुई? सरकार को FIR दाखिल करना चाहिए था, उसने कंप्लेंट दाखिल किया नवीन कुमार जिंदाल ने और नूपुर शर्मा ने कि हमको धमकियां आ रही है, पुलिस ने FIR दाखिल कर लिया। उसको धमकी देने के लिए FIR दाखिल हो गया, मगर नूपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदाल ने इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया जिसकी वजह से कानपुर में फसाद हो गया, कई लोग मारे गए, इसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, उस पर 302 का आर्टिकल लागू किया जाना चाहिए। ये कॉज कॉज नूपुर शर्मा है, फसाद कानपुर में हुआ, कॉज नूपुर शर्मा है, नूपुर शर्मा के बयान की वजह से कानपुर में फसाद हुआ। मेरे जैसे गैर राजनीतिक आदमी को जो बात समझ में आती है वो बात उनको समझ में नहीं आती है। समझना होगा, उनके पास डेरी डेरी हराम केवल मुसलमान का भी, कोई दूसरा कार्यक्रम है देश में? बेरोजगारी है, भूखमरी है, कितने भूखमरी से मरे जानते हो? 82 करोड़ भूखमरी और अर्धभूखमरी के शिकार है भारत में, और सारे SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग है। कोई समस्या का समाधान शहरों में और गांव में रोजगार देने का कोई काम नहीं? जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। क्या कह रहे? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? नहीं। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं। मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? नहीं। मुसलमानों ने शूद्रत्व पिछड़े वर्ग OBC पर थोपा? नहीं। मुसलमानों ने महिलाओं को दास बनाया? नहीं। किसने किया? ब्राह्मण। तो मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे हैं? इसमें से कोई भी चीज मुसलमानों ने नहीं बनाई, ये सारी चीजें तो ब्राह्मणों ने बनाई। जिस व्यवस्था की वजह से हम गुलाम है आज भी, वो व्यवस्था बनाने का काम मुसलमानों ने नहीं किया। जब मुगल भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तो भारत के ब्राह्मणों ने मुगलों को आमंत्रण दिया, आ जाओ, और मुगल और ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट विहारों को तोड़ा, मुगल और ब्राह्मणों ने मिलकर तोड़ा, और तोड़ने के बाद ब्राह्मण और मुगलों ने क्या किया? आधा मस्जिद बना ले, आधा मैं मंदिर बना ले। अगर वो पहले से मंदिर था तो ब्राह्मणों के पुरखों ने मुसलमान मुगलों को आधा हिस्सा क्यों दिया? अभी कुछ समझ में आया? और अगर ब्राह्मणों के पुरखों ने आधा हिस्सा मुगलों को दिया, तुम्हारे पुरखों ने दिया, सारे तुम्हारे पुरखों की पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए, तुम हमको क्यों बोल रहे? गलती तुम्हारे पुरखों ने की, तुम्हारे पुरखों की लात मारो, निकालो खाली हड्डियां जहां रखी हुई है, निकालो उसको, मारो जूते है। तुम्हारे पुरखों ने नलायकी की, हमको क्यों इसमें घुसेड़ रहे हो? मगर वहां मंदिर था ही नहीं, वहां बुद्ध विहार था, अयोध्या में बुद्ध विहार था। अब नहीं, क्या सबूत है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है मेरे पास, तमाम भारत के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं,
जितने भी भारत के ब्राह्मण हैं उनको चुनौती देता हूं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को सारे दुनिया के लोग ठोस एविडेंस मानते हैं, मेरे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अयोध्या की साइट बुद्धिस्ट साइट है, 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे, आर्कियोलॉजिकल साइट है। वाराणसी का ज्ञान व्यापी वो बुद्धिस्ट साइट है, मथुरा का वो बुद्धिस्ट साइट है, तीनों का अंग्रेजों के समय में पुरातत्विक रिसर्च हुआ, खोज हुआ, खोदा गया, सारे एविडेंसेस पुरातत्विक है। पुरातत्व के बारे में हमारे कितने लोगों को समझदारी, पुरातत्व का एविडेंस का मतलब है फाइनल एविडेंस। ये सारे एविडेंस मेरे पास में है, कोई है भारत में ब्राह्मण जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे, चुनौती देता हूं। और जब खड़े हो जाएंगे हमारे लोग तो हमारी समस्या का जैसा चाहे वैसा समाधान होगा, कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। जिनको गोली चलाना आता है उनको गोली चलाने की जरूरत, हमारे लोगों को गोली चलाना नहीं आता। बोली बोली समझ, एक होती गोली, तो हमारे लोगों को बोलते हैं जल्दी हो जाता है गोली से, एक आदमी मर जाता है 10 खड़े हो जाते हैं, समस्या का समाधान होता है। अगर आप जन आंदोलन को खड़ा कर दो फाइनल तमाम हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, तो आपको क्या करना है। जिले में काम कर रहे हो तहसील में जाओ, तहसील में काम कर रहे हो ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में काम कर रहे हो ग्राम पंचायत में जाओ, ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो गांव में। हमारे लोगों की संख्या करोड़ों संख्या गांव में निवास करती है और गांव के लोग भुक्त भोगी है। हम शहरों के लोग किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने से बात हमको समझ में आती है, गांव के लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। उनको जाके समझाओ आधा घंटा तो क्या कहते गांव के लोग मालूम है, हाँ समझ में आ गई, बताओ करना क्या, क्या बोलता है, हाँ हाँ आगे समझ आ, बताओ करना क्या। क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ते, डेली उनके साथ अन्याय होता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी समझ में आता है, इसलिए बोलता है बताओ करना क्या है। शहर का आदमी हमारा SC ST OBC का, उसको समझा आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा, फिर वो 10 सवाल पूछता है, शहर का पढ़ा लिखा आदमी किताब पढ़ा हुआ 10 सवाल पूछता है, 200 सवाल का जवाब दे दो तो भी पता नहीं चलता साथ देने वाला है कि नहीं देने वाला, ये आदमी साथ देने वाला है कि नहीं देने वाला है पता नहीं चलता। अगले 6 महीने के बाद फिर मीटिंग करो, फिर वही 10 सवाल दोबारा पूछता है, ये मैं अनुभव भी बोल रहा हूं, साथ नहीं देता। गांव में संख्या, ये शहर में 2% हमारे लोग, गांव में संख्या 98%। गांव के लोगों को तैयार करो और गांव के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए जन आंदोलन करने के लिए तैयार करो, देखो समस्या का समाधान कैसे होता है। यही लोग तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में पहुंचाते ना, यही ना संख्या पहुंचाती है। ये करना होगा, जब SC ST OBC के लोग जागृत होके संगठित होके इकट्ठा हो जाएंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो संविधान ने उनको वोट का अधिकार दिया उसका उपयोग करेंगे या सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। ऐसा करना, ऐसा करने के लिए अपने लोगों को समझाओ, अपने लोगों को तैयार करो, अपने लोगों को संगठित करो। बोल 85 कहने से नहीं होगा, जय मूल निवासी इधर दुर्गापुर में कहने से नहीं होगा, गांव में केवल बोल 85 जय मूल्यासी कहने से नहीं होगा, तैयारी करनी पड़ेगी अपने लोगों की। जैसे मैं जिंदगी भर 18 साल 3 महीने का था तब से अभी 65 साल की तैयारी कर रहा हूं, अभी भी डेली ट्रैवलिंग कर रहा, हमारा आदमी एक दिन ट्रैवलिंग करता है तो बोलता है बदन दुखता है, एक दिन आराम करना पड़ेगा, CL लेता हूं, CL समझ कैजुअल बोलता आराम करना पड़ेगा,
एक दिन ट्रैवल करने से, डेली ट्रैवल, जवानी में भी करता था, 65 साल की उम्र में भी करता। हमारे दुश्मन वामन मिश्राम की टांगों को पीछे खींचने के लिए कुछ लोगों को लगाया, मेरी टांगे इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी सलाह ऐरिया गैरिया नत्थु खैरिया खींच लेगा। ऐरिया गैरे नत्थु खैरे समझते हो, है देसी मोहरा है, कमजोर नहीं है ये। अब हमारा राम नाम सत्य करके ही खत्म करेंगे और बंगाल में हरि बोल, देश में राम नाम सत्य और बंगाल में हरि बोल करवाएंगे इन लोगों को, तब हमारी समस्या का समाधान है। और इसके लिए जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन हमारे आंदोलन की सबसे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। राजनीति में हस्तक्षेप का काम हो सकता है, मगर प्राथमिकता जन आंदोलन को निपटना होगा, तो जन आंदोलन से निपट सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।